चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः लाइटन है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण। हरे कृष्ण। आज श्रीमती श्रीनिधि सब कथा नोट कर रखियो, नोट कर ले आगे वर्ष रोपण दरकार हो बुझ पार छो सब कथा नोट कर दरकार तो जानियो के मते आगे वर्ष पचाले किसी बाई बारे में कत वर्ष ला मटर ले दि वर्ष है ला हां आओ तने लिखी रख ले आगे वर्ष का कह को तो ऊपर को देखो। हरे कृष्ण। आज आज ही आज हिंदी बुझ पार छो ना। आज श्रीमती राधा रानी का जन्मतिथि है इसलिए हम लोग सवेरे तुम्हारे प्रभु पाड़ गए। आज हम लोग सवेरे श्री राधा रानी की महिमा को तक बस बस तब बस पड़े जो राधा रानी की महिमा को हमारे श्री बदायन महाराज कुछ बोले, मैं भी कुछ बोला, आज हमारी कुछ भक्त लोग भी कुछ कुछ बोलेंगे। अभी प्रभु लोग आ रहे हैं इसलिए उसको पहले मैं थोड़ी सी बोल देता हूँ। कहते ये राधा रानी है कौन है, राधा रानी कौन है? तब हमारे श्री स्वरूप दामोदर चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक कहते हैं, कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात् देकात्मना भुवि भुवो देह व्यथो गथो चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव दूत सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। तब श्री
सर्वदामोदर कहते राधा रानी कौन है, कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति। मतलब है कहते अगर हम कृष्ण प्रेम को एक रूप अगर हम देंगे, कृष्ण प्रेम है क्या चीज है, कहते ये कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। राधा रानी नहीं, वो स्वयं कृष्ण प्रेम का रूप श्री राधा रानी है। कहते हैं तत्वतः कहते अनादिकाल से कृष्ण को कहते हैं एकमेव अद्वितीयम्, वो एक है, हैं? जो अद्वैत ज्ञान प्रतत्व भगवान कृष्ण एक है। जब कृष्ण एक थे, लेकिन अभी एक दिन गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष को नीचे कहते कल्प वृक्ष को नीचे कृष्ण एक दिन खड़े हुए थे अकेले। अभी कृष्ण लीलामय है, कृष्ण रस स्वरूप है, कृष्ण आनंद स्वरूप है, उनका आनंद लेना ही एक काम है। इसलिए कृष्ण एक दिन गोलोक वृंदावन सब इतने लिखी गिर रख लेना, अगर तेरे कहीं बेरो हम मुंह को देख लागत तेरे कौन देखो कोई, अगर तेरे कहीं हम किसी जाने अब बूढ़ा है गले मटर से तेरो है। कहते ये कल्प वृक्ष को नीचे कृष्ण खड़े थे। अभी कृष्ण जब कल्प वृक्ष को नीचे खड़े थे, अभी उनको लीला करने की इच्छा हुई है। रास मंडल में कृष्ण खड़े, जब लीला करने की उनकी इच्छा हुई, लेकिन वो एक स्वरूप में तो लीला कर ही नहीं सकते, अकेला हो तो थोड़ी आनंद आता है। इसलिए जैसे कोई प्लेयर होते हैं, अकेला थोड़ी कोई खेल सकता है, जैसे टीम होता है ना क्रिकेट खेल में 11 लोग टीम होते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते उसमें भी टीम होते हैं, अकेले थोड़ी आनंद लगता है, हैं? इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैं अकेला हूं हम लीला कैसे करें। जब उनकी इच्छा हुआ, ये बृहदारण्य उपनिषद में कहते हैं सब नैव रमे नैव रमते सा द्वितीय मैच्छत। जब कृष्ण की इच्छा हुई लीला करने के लिए, जब उन्होंने दो होने के लिए उन्होंने इच्छा की, जब इच्छा की उनको वाम अंग से एक सुंदर नारी है, बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत किशोरी उम्र में 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहनते हुए एक दिव्य नारी कृष्ण की वाम अंग से प्रकट हुई। इसलिए चूंकि वो रास मंडल से प्रकट हुई है, इसलिए उनका पहला अक्षर हो गया रा, और प्रकट होकर के कृष्ण को पूजा करने के लिए वो धावित हो गई। धावित मतलब था दौड़ना है, वो दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया राधा, उनका नाम हो गया है, इसलिए उनका नाम राधा। राधा का और एक अर्थ होता है, राम मतलब होता है भक्ति, धा मतलब होता है हर जीवों को जो भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगा ना, वो भक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, जब तक उन्हीं की कृपा नहीं होगा तब तक कोई भी श्याम सुंदर को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, हैं? इसलिए कहते तत्व तो एक होते हुए भी दो है, और दो होते हुए भी वो एक हैं। इसलिए उनको उदाहरण दिया, अनादिकाल से वो एक थे, एक माधव स्वरूपम। इसलिए इसमें बताए उदाहरण दिया, कहते चापी राधा सापी कृष्ण, जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है। इसलिए एक आत्मा केवल दो देह है, एक आत्मा दो देह। उदाहरण दिया जैसे कमल फूल देखे होंगे, हैं? कमल फूल जैसे उसका जो जड़ होता है वो एक होता है, लेकिन एक जड़ से उसमें दो कमल फूल खिले हुए, लेकिन जड़ एक ही है और उसमें दो कमल फूल खिले हुए, वो कौन है, एक श्रीमती राधा रानी और एक श्री कृष्ण है, हैं? दूसरा उदाहरण दिया जैसे दिया जलती है, दिया घर में लगाते होंगे दिया, अब देखना ऐसे दिया होता है बीच में तेल रहता है, बीच में तेल रहता है और दोनों साइड में दो दिया रहता है, लेकिन तेल एक ही है, लेकिन एक तेल से दो उसमें दिया जल रहे हैं। कहते उसी तरह वो तत्व तो एक ही है, लेकिन वो लीला करने के लिए नैव रमे नैव रमते सद्वितीय मैच्छत। इसलिए जब रमण करने की इच्छा हुई तो उन्होंने दो रूप में वो प्रकटित हुए हैं, एक राधा और एक श्री श्याम सुंदर, एक श्री कृष्ण है, हैं? इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ये श्लोक को बताया है, हैं? इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमा, इसलिए चैतन्य चरितामृत में राधा रानी की महिमा को बताते हुए वहां पर बताए एक श्लोक को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या किया है।
बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। एक श्लोक को वहां पर व्याख्या किया, इसलिए राधा रानी का एक नाम देवी। देवी मतलब कभी कभी हम कहते हैं ना, देखो ये देखने में देवी जैसे लग रहे। देवी मतलब क्या? बड़े प्रकाशशील है, बड़े सुंदर है। देवी शब्द द्वत्तम ना परम सुंदरी, राधा रानी जैसे जगत में इतने सुंदरी कोई नहीं। एक उदाहरण दिया, कहती ये जगत में जितने स्त्रियां हैं, सारे स्त्रियां रूप को एकत्रित कर लो, जितने जगत में स्त्री है उनका सारे रूप को एकत्रित कर लो, वो कैसे बनेंगे? कहते स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मेनका हम सुनते हैं, वो सारे स्त्रियों का सुंदरता मिला करके कहते एक रंभा उर्वशी को साथ में होगा। मतलब समझो स्वर्ग में स्त्रियां कैसे होगी। कहते गर्म में ठंडा शरीर रहता है, ठंडा में शरीर गर्मी रहता है, कभी वो लोग बूढ़ी नहीं बनती है, हैं? देवी है, हैं? कहते कहते स्वर्ग में जितने अप्सरियां हैं, कितने अप्सरी स्वर्ग में, कहते उनका रूप को एकत्रित कर लो, करने पर कहते एक लक्ष्मी को साथ में बराबर हो सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी तो अनंत लक्ष्मी है, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सभ्यमानम, लक्ष्मी एक नहीं, जितने मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम सबका लक्ष्मी है, हैं? कहते सारे लक्ष्मी के रूप को एकत्रित कर लो, सारे लक्ष्मी का रूप को एकत्रित करके वो देखने में कैसे होंगे? बोले ब्रज में जो गोपियां हैं, हैं? इसलिए कृष्ण उनको सुमध्यमा, कृष्ण उनको संबोधन करते हैं, हे सुमध्यमा। सुमध्यमा मतलब क्या है? सु मतलब सुंदर, मध्यम मतलब बीच, मतलब कमर जिनकी बड़ी पतली बड़ी सुंदर है गोपियां, हैं? इसलिए कहते एक एक गोपी को साथ में होगा। समझो ये गोपियां कितने सुंदर है, और राधा रानी कितना सुंदर है। बोले सर्व गोपेषु सर्वैका विष्णु रतन वल्लभा, कहते सारी गोपियों की हाँ सुंदरता को एकत्रित कर दो तो श्री रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं लक्ष्मी जदंग्री चरण कमल नखांचलस्य, कहते राधा रानी के चरण की नख से जो छटा निकलती है, हैं? कहते सब गोपियों का जो सुंदरता उनकी नख की चरण की छटा में ही समा जाएगी, इतने सुंदरी श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि गोविंद जिस प्रति स्वयं गोविंद जिसको प्रति आकर्षित होते हैं वो कोई साधारण है, हैं? गोविंद जिसको प्रति आकर्षित हो इतने सुंदर, इसलिए राधा रानी का जो श्रृंगार वर्णना की, कहते उनको केवल राधा जी केवल तिलक दर्शन करते ही हैं कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं। उनको चोटी उनका जो बेणी है, बेणी ब्यालांगिनी भड़ाम, रूप गोस्वामी कहते राधा रानी का चोटी कैसे? बोले काला नागनी सांप जैसे, काला नागनी जैसे काटने पर लोग मर जाते हैं। कहते उनके बोले बेणी को देखते ही कृष्ण स्वयं बेहोश हो जाते हैं, इसलिए कहते बंसी करा निपतित स्खलितम शिखंड, केवल राधा रानी की कृपा कटाक्ष से ही श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम देवी। दूसरा नाम क्या? बोले कृष्णमयी है। कृष्णमयी मतलब कृष्ण जहर बाहर भीतर, मतलब जहां नेत्र बड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जब राधा रानी जिधर देखती हैं उधर कृष्ण 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 छोड़ करके राधा रानी को और कुछ चीज देखती नहीं हैं, और कुछ देखते नहीं, इसलिए राधा रानी कहती हैं वो काला का मुंह मैं देखना नहीं चाहता। जब श्री जिससे उद्धव जब गए, भले वो काले की खबर लेकर क्यों आए हो, जितने काले सब धूर्त है, इसलिए काले का कोई बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। उद्धव जी बोले भैया जब से आ रहा हूँ तुम वही काले 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 का नाम ले रहे हो, अरे काला अगर इतने खराब हुई काला का बात छोड़ दो ना, और तो कोई बात है और कोई बात? बोले यही तो बात है, वो काले का बात मुझसे छुटता ही नहीं, हम जीवा को बहुत मना बोलते हैं भैया वो काले का बात छोड़कर तो और बहुत सारी बात है ना, और तो कुछ बात करो, लेकिन ये जीवा ऐसे निगोड़ी मुंह से पानी निकले तो उसकी पानी के सिवाय कुछ और निकलती नहीं है। ये कान को समझाते हैं भैया सुनने के लिए तो बहुत सारी बात है और कोई बात सुनो, लेकिन कान में तो वही कन्या की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज केवल आती है और कोई आती नहीं है। ये आंखों को हम समझाते हैं भैया काले चीज छोड़कर तो और कोई चीज तो बहुत सारी चीज देखो ना, लेकिन जहां नेत्र बड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां नेत्र बढ़ता है मेघ के बादल को देख करके राधा रानी बेहोश हो जाती है, मयूर पंख देख करके राधा रानी
बेहस हो जाते हैं। यही से राधा जी की, इसलिए कृष्ण राधा जी कृष्णा मई है, इसलिए राधा जी का एक नाम है श्यामा है, श्यामा। जैसे तोटा गोपीनाथ देखने के लिए, तोटा गोपीनाथ गए ना देना, सब जगह में राधा रानी गोरी, लेकिन तोटा गोपीनाथ में देखो राधा रानी गोरी नहीं, राधा रानी काली है। बोले क्यों? कहते कृष्ण चिंता करते 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 एकदम कृष्ण चिंता में राधा रानी काली है। जैसे कृष्ण कभी राधा रानी की चिंता करते करते कभी कृष्ण गौर रूप धारण किए थे, उसी तरह राधा रानी भी कृष्ण चिंता करते करते वो एकदम काली हो गई राधा रानी, इसलिए कृष्णमयी है। इसलिए देवी कृष्णमयी प्रभुता राधिका, उनका तीसरा नाम है राधिका। बोले राधिका नाम क्यों पड़ा है? बोले जिसने विशेष करके कृष्ण को आराधना करती है, है? इसलिए आराधना करती है, इसलिए कृष्ण न आराध्यते इति राधिका, कृष्णम समाराधयति इति राधिका। कृष्ण जिनको उपासना करते हैं और जो कृष्ण को उपासना करती है, कृष्ण को भी राधा रानी उपासना करती है और राधा रानी और कृष्ण को उपासना करती है, है? इसलिए कृष्ण की जितनी इच्छाओं को कौन पूरी करने वाले? बोले राधा रानी। इसलिए उदाहरण दिया राधा रानी, जैसे एक स्वच्छ दर्पण है, जैसे आप शीशा को सामने, दर्पण को सामने खड़े हो जाओ, आप जैसे होना ठीक आपका प्रतिबिंब शीशा के ऊपर में प्रतिबिंब ठीक वैसे पड़ेगा। कहते उसी तरह अभी कृष्ण के मन में क्या इच्छा है, इसलिए इसलिए उनको राधा जी का मान दो तरह का बताया, एक अहेतु की और एक सहेतु की। बोले ठीक है, जो सहेतु की मतलब किसी कारण को लेकर के मान करना, बोले अहेतु की मान है, कहते अहेतु की मान राधा रानी करते, अहेतु की मान बिना कारण कोई काम नहीं, राधा रानी मुंह मोड़ कर बैठी थी। बोले क्यों? कहे क्यों बैठी गई? बोले कारण है, कहते न तथा विप्र लंबे न संभोग पुष्टि में सुनते, जब तक विरह नहीं होना तब तक मिलन का मीठा था नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण की हृदय में जो इच्छा है, जो इच्छा कृष्ण के हृदय में अपनी आप ही राधा रानी में ये सब इच्छा प्रतिबिंबित होती है, अपनी आप सारी इच्छा प्रतिबिंबित होती है। इसलिए कृष्ण की सारी इच्छाओं को, कृष्ण को जो सेवा करने वाले राधा रानी, कहते राधा रानी कितने कोमल आंगी है। बोले जिनका चंद्र का किरण भी, चंद्र किरण मीठा है, हैं सुशीतल है, लेकिन राधा रानी का अंग इतने सुशीतल, चंद्रमा का किरण भी राधा रानी के शरीर को ताप देता है, कष्ट लगता है। लेकिन ऐसे जो राधा रानी जब नंद भवन में राधा रानी कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, हैं रसोई बनाते समय कैसे, कहते वहां पर 10-20 स्टोव लगा हुआ है, भाटी है, पहले कैसे बनती थी, सबके सब भाटी में है, सबके सब कोयला नहीं तो लकड़ी में 10-20 लगा हुआ। राधा रानी बीच में बैठी हुई, सबका आदेश, ललिते श्याम सुंदर कान का देरी हो गया, अभी तक खीर नहीं बनी हुई है, अभी तक ये सुक्ता नहीं बना हुआ है, अभी तक साग नहीं बना हुआ, विशाखा तुम ये बनाओ, चंपक लता तुम रूपमंजरी ये चीज को ये करो। राधा रानी स्वयं मनोहर लड्डू बनाती है, जब तक कृष्ण खाने के बाद में लड्डू खा करके कृष्ण का भोजन पूरा होता है, राधा रानी अपना हाथों से बनाती है। वहां पर श्री गोविंद लीला अमृत में कहते हैं राधा रानी कितने कोमल आंगी, लेकिन जब कृष्ण सेवा करती है ना, ये सब भाटी जलती, इसको बीच में बैठ कर रसोई बनाती है, उनको लगता है जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठे। ऐसे कृष्ण सेवा में ऐसे ये तत्पर श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण भी जिनकी प्रेम में बसीभूत होकर के, कृष्ण भी स्वयं जिनकी आराधना कृष्ण स्वयं करते हैं, विश्व ब्रह्मांड आराधना करती है किसको, कृष्ण को, लेकिन कृष्ण किसको आराधना करते हैं? बोले श्रीमती राधा रानी को ये आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम एक है राधिका है। और श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताए, जब रासलीला में जिस समय कृष्ण राधा रानी चली गई मान करके, कृष्ण सबको छोड़ करके जब उन्होंने राधा रानी को एक श्यामा सखी रूप धारण किया, श्यामा सखी कृष्ण धारण करके बोले चलो हम दो दो बन करके कृष्ण को ढूंढने के लिए जाएंगे, कृष्ण स्वयं श्यामा सखी बनकर राधा रानी को पकड़ लिए, बोले चलो हम दोनों चलते हैं। उनको पता नहीं चला, लेकिन उनको कृष्ण लेकर कुंज में गए और फूलों से उनको श्रृंगार किया, और श्रृंगार करते हुए है, और गोपियां तो कृष्ण विरह में ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर का, ढूंढते ढूंढते सबको पूछे, कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी को पूछे, बोले पृथ्वी तुम तो सर्वत्र हो, तेरे को तो पता होगा, हटात उन्होंने कृष्ण का दो चरण देखा, बोले तो कृष्ण का चरण है।
और जब थोड़ी दूर गए फिर कृष्ण का दोनों चरणों के बीच में श्री एक सुंदर किशोरी बड़ी प्यारी बड़ी मीठी तो उनका चरण देखे बोले अरे, लेकिन जो चंद्रावली पक्षक थे वो तो समझ नहीं क्यों वो राधा जी की चरण की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जो राधा जी की चरण की जो सेवा करने वाले उनको तो पता है ना राधा रानी के चरण में क्या क्या चिन्ह है। कृष्ण को सेवा सब करती है, तटस्थ स्वपक्ष विपक्ष सब गोपियां करती है, लेकिन यहाँ पर जो स्वपक्ष गोपियां थी वो तो देख करके पहचान गए और श्री सुखदेव गोस्वामी भी विशेष करके ये प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया, राधा जी की ये प्रिय सुख है, हैं? इसलिए वो समझ गए ये तो हमारी किशोर जी की चरण चिन्ह है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी डिक्लेयर करते हैं बोले तुम लोग भले ही जितने बोलते रहो कृष्ण हमें सबसे ज्यादा प्यार हमें करते हैं, लेकिन देखो देखो तो सही कृष्ण सब रहते हुए भी गोपियां कृष्ण लेकर किसको गए, हमारी स्वामी को लेकर गए हैं। इसलिए अनाराधित अनुनाम भगवान हरि ईश्वर, इसलिए इन्होंने विशेष करके श्याम सुंदर का आराधना की जिस वजह से श्याम सुंदर इनको ही लेकर गए। इसलिए वहां पर डिक्लेयर करते हैं उद्घोष करते हैं सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, अरे जोर से बोलो हे जय क्या, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कहते इनका एक नाम श्री राधी का नाम पड़ा, इसलिए परा देवता बोले देवियों में जो सर्वश्रेष्ठ देवी है उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आमनायमणि, जितने सब शक्तियां हैं, हैं? इसलिए तीन तरह का शक्तियां हैं, एक वैकुंठ में लक्ष्मिया है, फिर महिष लोक द्वारका में महिष लोक है, ब्रज में ब्रजवाला ब्रज रमणी और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इसलिए जितने सबके सब श्री राधा रानी से ही सबके सब ये प्रकट होते हैं। इसलिए जब राधा रानी प्रकट होती हैं, हैं? यहाँ पर जब राधा रानी प्रकट होती हैं, जितने और कालिंदी लक्ष्मणा और रुक्मिणी सत्यभामा जब राधा रानी प्रकट होती हैं, राधा रानी के तेज पुंज से हैं? राधा जी के तेज पुंज से ऐसे उद्भासित तो होता है राधा रानी के तेज से, और जितने जितने सब महिषी का जितना तेज है ना सब फीकी पड़ जाती है, जैसे पिलिया बन जाते ना पिलिया रोग हो जाता है, उसी तरह राधा रानी की प्रकाश से ये सबके सब जैसे पिलिया रोग हो जाते हैं, इनकी प्रकाश सबके सब दब जाती है, इनकी प्रकाश ऐसे श्री राधा रानी की प्रकाश। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे साथ गोविंद लीला मृत श्लोक वहां पर भी सब बहुत अच्छे से अच्छे श्लोक बताए, कहते एक श्लोक है बोले किम कांते कुल देवता किम उतवा तारुणी लक्ष्मी अयम संपदा किम माधुरी तनुमिति लावण्यम वन्यान्यम किम किंबा नंद तरंगिणी किम अथवा पीयूष रस धारा श्रुति कांता साबुतबा ममेन्द्रिय गणानाम लादयंत गता। इसलिए कहते हैं जब राधा रानी प्रकट होते कहते किम कांते कुल देवता थी, मतलब ये क्या साक्षात कांति की ये क्या प्रतिमूर्ति है, हैं? ये शोभा की वा प्रकाश की ये क्या प्रतिमूर्ति है, बोले तारुणी लक्ष्मी अयम, क्या ये साक्षात तरुणी श्री लक्ष्मी स्वरूपिणी है, क्या ये हमारी जीवन का, कृष्ण कह रही है श्लोक को बोले ये क्या जीवन की हमारी मधुरता क्या यही है, कभी ये क्या लापन्य की शिरोमणि है, क्या ये आनंद का क्या तरंगणी है, ना ये हमारी अमृत की रस की ये धारा है, हैं? इसलिए क्या हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाली ये क्या प्रतिमूर्ति है श्रीमती राधा रानी, इसलिए इनका नाम है। इसलिए जितने सारे लक्ष्मी इनसे ही प्रकट होती है, इसलिए देवी कृष्ण वही प्रत राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी वही सर्व कांता सन्मोहिनी परा, अभी हमारे बच्चे लोग कुछ बोलेंगे, इसलिए कांता मतलब होता है सब जितने कृष्ण की इच्छाएं सारी इच्छा को कौन पूरी करने वाले कृष्ण, इसलिए कहते वो दो क्यों हुए हैं कल्प वृक्ष के नीचे, कहते बाम पार्श्व में श्री राधा रानी प्रकट हुई और उनको डाण पार्श्व साक्षात श्री बलदेव प्रकट हुए, बोले क्यों प्रकट हुए, बलदेव प्रभु से जितने अवतार प्रकट हुए और राधा रानी से जितने लक्ष्मियां प्रकट क्यों प्रकट हुए, कारण क्या है, बोले कृष्ण कैसे सुखी होएंगे वो कृष्ण को ही पता है, और किसको पता नहीं कृष्ण कैसे सुखी होंगे, जैसे आपको मिठा प्यारा हमारे घर में आए नमकीन खिला दिया खाओगे लेकिन खुश होकर नहीं खाओगे,
लेकिन मीठा अगर आपका मन को इच्छा जानकर खिलाओ ना खुश हो जाओगे। उसी तरह अभी जगन्नाथ जी को क्या प्यारा है, अभी जगन्नाथ जी को क्या प्यारा है, जगन्नाथ जी को पता और किसको पता नहीं। इसलिए उनको अभिन्न स्वरूप में बलदेव प्रभु प्रकाशित हुए। इसलिए बलदेव प्रभु देखने में काले गोरे और कोई फर्क नहीं है, वो एक ही है। और राधा रानी देखने में गोरी, केवल फर्क नहीं, वो एक तनो है, केवल शरीर एक है, दो देह केवल है। इसलिए कृष्ण किसी में खुश होकर, कृष्ण को ही पता है, मानो कृष्ण स्वयं अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए उन्होंने और एक रूप में धारण प्रकट हुए, श्रीमती राधा रानी रूप में और एक रूप में श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जगत को मोहित करने वाले कौन है, कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को मोहित करने वाले श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी का अनंत महिमा हमारे बीच में, हमारे प्रभु लोग अभी तक आए नहीं इसलिए मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन आज तो इनको बोलने का था, इसलिए कल भी थोड़ा श्रवण लेंगे। राधा रानी की अनंत महिमा है। जब मैं कहीं और रहता था, 4-5 दिन तक मैं कथा करता था, हाँ, चैतन्य चरितामृत से लेकर के और सारे ग्रंथों से, हाँ, हम राधा रानी कथा सुनते थे और गुरुदेव रहते हुए तो रस की धारा बहती थी मथुरा में, है, गुरुदेव जब रहते थे 4-5 दिन तक सारे भक्तों को पहले गुरुदेव शुरू कर देते थे, क्योंकि प्रयास न होते ना, फिर जब राधा रानी कथा सुनते हैं ना, फिर उनकी अष्टमी बनाने में विशेष उत्साह होता था, उल्लास होता था। आज हम राधा रानी की जन्म उत्सव मना रहे हैं, इसलिए राधा रानी सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, कृपा करे, जैसे जन्म जन्मांतर में जैसे उनके अनुगत्य में गुरु वर्ग का अनुगत्य करते हुए उनके अनुगत्य में जैसे हम सेवा कर सके। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। निताई गौर ब्रह्मन मुंदे हरि हरि बोल की। और तबला बोल जरा जा ठीक है। श्रीकांत को फर्स्ट टाइम श्रीकांत को गयो बड़ा अनुभव, हां बड़ा अनुभव टाइम नहीं ना कितना से कास श्रीकांत को डाल के अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणायति नामिने। नित्यानन्द नमस्तृभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने गळुगळमशनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगदपते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्ते। महाभाव स्वरूपातम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरा परमानंदतम गुरुपाद पदम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिलम सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण कमल व अनंत कोटि साष्टांग दंडवत पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, उनका अति कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत शिलो गोदान गोस्वामी महाराज जय श्री नित्यलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद भक्ति विधान शिल नारायण गोस्वामी महाराज उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव सतीर्थ गुरु वृंद वृंद सबकी चरण मध्यम की जथा दंडत प्रणाम स्वीकार।
तो अनंत शास्त्रम बहुलं च विद्या बहुत तरह की शास्त्र ग्रंथ इस जगत में उपलब्ध है और सारे के सारे शास्त्र में क्या ना विशेष रूप में कृष्ण का गुणगान हुआ है। तो हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्मवाद गौड़ संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी से प्रारंभ करते वो कृष्ण की स्तुति कैसे किए, बोले कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण श्री ब्रह्म सहित पंचम अध्याय का पहला नंबर श्लोक। इसमें बोल रहे कि कृष्ण कैसा है ना, ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर है परम कृष्ण की सारी सारी ईश्वर से श्रेष्ठ है कौन है कृष्ण, इसलिए भगवान। और उनकी जो शरीर हमारे जैसे मलमूत्र इत्यादि में ये निर्माण नहीं हुआ नहीं, किसमें ना सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है उनका, तो इसलिए उनका जो स्वरूप है सत चित आनंदमय। तो इसलिए तैतरीय उपनिषद में कहा गया भगवान को क्या ना रसो वही सह जैन लब्ध आनंद भवती, कि भगवान की जो स्वरूप है वो कैसा, बल्कि रस के समुद्र है भगवान, इसलिए उनको जो प्राप्त करता है वो क्या ना आनंद आनंद में उत्फुल्लित होता है, क्योंकि भगवान आनंद की स्वरूप है। इसलिए आनंद की स्वरूप होने कारण उनके सारी की सारी क्रिया क्या ना आनंदमय ही होता है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या बोले कि गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि, मैं वही कृष्ण को गोविंद को हर समय क्या करता हूँ भजन करता हूँ। बोले कि हम तो एक मुख वाले हैं मगर ब्रह्मा चार मुख वाले हैं, और चार मुख में चार जो प्रमुख वेद है उनको गान करने वाले, फिर भी वो क्या करे ना कृष्ण का वंदना करते हैं भजन करने के लिए व्याकुलित होते, बोले व्याकुलित नहीं लोटपोट खाते कृष्ण की चरण रेणु में। तो ऐसे चीज ब्रह्मा जी है, तो वही ब्रह्मा श्रीमद भागवत में उद्घोषण देते है अपनी स्तुति करते है भगवान के श्री चरण कमल को, बोले की जानंतु एव जानंतु किंग बहुत न मैं प्रभु मनसा वपुषा वाचो पैवम तव अगोचर, कि मैं आपके बारे में प्रभु और क्या मैं बोल सकता हूँ। अगर कोई पंडिताभिमानी व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं भगवान के बारे में जानता हूँ, बोले उनको तो जानने दो मगर मैं तो मनसा वचसा मगर मेरे मन के द्वारा मेरे शरीर से इंद्रिय के द्वारा आपकी जो वैभव है काय मन वाक्य में मैं उसको कभी जान नहीं पाया प्रभु, ये मेरे गोचरी हो तो मेरे जानने के लिए मेरा शक्ति सामर्थ्य हो नहीं पाया। फिर भी बोलते हैं कि प्रपंच निष्प्रपंच हो भी विड़म्ब ऐसी भूतले प्रपन्न जनपा दानंद संदोह पतितं प्रभु, हे प्रभु आप तो प्रपंच अतीत हो मगर शरणागत वस्त्रले जो भक्तगण को आनंद प्रदान करने के लिए क्या किए ना आप ये प्रपंच प्रपंच जगत में क्या करते हो ना आज की लीला विस्तार करते हो। तो भगवान के ऐसा स्वरूप जाते भी प्रपंच अतीत है क्या करते हैं आके ना ये भक्तों को आनंद प्रदान के लिए देने प्रदान करने के लिए ही क्या करते ना लीला विलास करते। तो इसलिए भगवान की जो स्वरूप है आनंद की स्वरूप है, इसलिए भगवान की सारी क्रिया भगवान को स्मरण करेगा उनको भी आनंद लाभ होता है, भगवान की जो सेवा करेगा उनको भी लाभ करता है, भगवान की मुख आनंदमय भगवान की बदन आनंदमय भगवान की हासी होता है जो वो भी आनंदमय। इसलिए स्वयं बिल्लो मंगल ठाकुर लिखे क्या ना मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कि ये मधुर अधिपति सारी सारी मधुर की आधार है, इसलिए अखिल मधुर अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण है। तो वही कृष्ण का असल उद्धव जी बड़ा अच्छे से क्या कर रहे हैं ना वर्णन कर रहे कैसा कृष्ण का जो ऐश्वर्य कैसा है द्वारिका में उसको वर्णन करते उद्धव जी स्वयं करते स्वयं तो असम्य अतिशय तृतीश स्वराज लक्ष्म्य मस्त काम बलिंग हरि अद्विश लोकपाल किरीट कोटि ऋतपाद पीठ, कि श्रीमद भागवत में ये उद्धव जी बोलते हैं कि भगवान आपकी क्या आप सारी सारी जब द्वारिका में आप अवस्थान करते हो तो सारी सारी जो ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड के आप करता होने कारण सारी सारी ब्रह्मांड की कहा तो ब्रह्मा जी कहा कि नारद जी कहा कि तो वरुण ये सारी सारे लोग क्या करते हैं ना भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करते हैं तो दंडवत जब प्रणाम करते हैं भगवान को प्रणाम निवेदन करते हैं तो क्या होता है ना माथा से मुकुट एक की बात है कि गिरता है और ऐसे गिरता है कि हर समय की पूरा ही निरंतर ये शब्द ही सृष्टि होता है कि केवल केवल ये मुकुट की गिरने की शब्द आता है। तो लास्ट में क्या ना जो जय विजय की जो प्रतिनिधि होते हैं वो आगे क्या मना करता है भाई क्या लगा रखी है कि भगवान ऐसे तत्व है ऐश्वर्य की पूरा
आधार है भगवान। इसलिए क्या करते हैं ना, सारी सारी ब्रह्मांड के लोग आके उनको प्रणाम करते हैं। तो ये है क्या ना, कृष्ण की महिमा है। इसलिए स्वयं भागवतम भी बोलते हैं कि जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुंत स्तुवंति दिव्य स्तवे वैदेहि सांगवद क्रम उपनिषद ज्ञानति जंग सामग अध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जंग जोगिनो जस्यान्तम न विदु सुरासुर गण देवाय तस्मनमय। कि ब्रह्मा वरुणेन्द्र वरुण इंद्र रुद्र ये सारी सारी क्या करते हैं ना, भगवान की स्तुति इत्यादि करते हैं। और इतना ही केवल नहीं, वेद उपनिषद इत्यादि जो भी भगवान की क्या करते है ना, भगवान की ये जस को गान करने वाले है। और जोगी लोग जिसको मन मन में स्मरण करते है ऐसा है भगवान, तो उसी भगवान को देवाय तस्मने ऐसे देवा को मैं क्या करता प्रणाम करता हूँ। अगर भगवान को पूछा जाए कि भगवान सारी सारी शास्त्र आपकी स्तुति करते है वंदना करते है, ये क्या सच में ये सत्य बात है कि वास्तव में सारी सारी स्तुति करते है आपकी शास्त्र, भगवान पूरा अच्छे से उसका उद्घोषण देते बोलते कि हाँ ये तो सत्य बात है। कैसे गीता सात नंबर अध्याय सात नंबर श्लोक ही भगवान बोलते कि क्या ना, मध्य भरत रंग नान्यत किंचित अस्ते धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रेमणि गणाय। कि मैं ही क्या हूँ, सारी सारी मुझसे बड़े और कोई नहीं है, उसके मेरे जैसे ही कोई नहीं, उसके ऊपर बात तो छोड़ो। इसलिए सारी सारी वेद की मैं ही वास्तव में क्या हूँ, वेद वस्तु वेद की मैं ही वास्तव में जानने वाला वस्तु मैं ही हूँ। इसलिए स्वयं स्वतः स्वतः उपनिषद भगवान के बारे में बोले कि न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तस् समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान ये स्वतः स्वतः उपनिषद कहा जाता है कि क्या भगवान से तो ये असमर्थ तत्व है, इसलिए बड़े कोई नहीं, समान तो कोई नहीं बड़े की बात की, ये तो हास्यास्पद होगा भगवान के बारे में से चिंता करना। तो ऐसा जो श्रीमद भगवान है जिसको ब्रह्मादि नारद आदि और जितने सारे देवता आदि सब क्या करते, जिस भगवान की स्तुति करते स्तव करते, ऐसा कृष्ण अगर सतत और निरंतर किसका भजन करते किसका भक्ति करते और किसके चरण में लोटपोट खाते, तो वो ही केवल केवल कौन है ना, श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए कृष्ण की जितना महिमा है उससे ज्यादा महिमा अगर किसका है तो वो ही केवल केवल किसका ना, श्री राधा ठाकुरानी का। तो इसलिए स्वयं ऋग्वेद भी कहते हैं कि जस्या पादरण बिलुंठन, कि भगवान क्या करते हैं ना, जिसका पादरण को प्राप्त करने के लिए करते कि लूट भर खाते कि राधा रानी आपका थोड़ा केवल केवल कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करते लूट भर खाते। यद्यपि कृष्ण क्या, यद्यपि कृष्ण जगत है गुरु और जगत की सबसे ये सबके प्रेम की पात्र है और जगत अखिल ब्रह्मांड की जो नायक है वो भी क्या करते है ना, वो अगर किसका चरण में ये कृपा प्राप्ति होते कृपा प्राप्त करने के लिए चाहते वो ही श्री राधा रानी है। इसलिए राधा रानी की महिमा विशेष रूप में परिलोकित होता है। और इतना ही नहीं, रोग वेद उससे तो आगे जाके बोलते हैं कि क्या एकम ज्योति अद्भुत है तो राधा माधव रूपकम अविशेषाम श्रवण की, बोले एक ही वो स्वरूप है, एक ही ज्योति है, परम ब्रह्म अगर दो रूप धारण करे तो वो क्या होगा ना, वो राधा माधव रूपकम, राधा माधव की रूप धारण होगा, जिससे क्या किए ना लीला विलास के कारण ही क्या किए, लीला को आस्वादन करने के लिए क्या किए ना, दो स्वरूप को धारण किए, तो एक तो हो गए स्वयं कृष्ण और दूसरा हो गए श्री राधा रानी। तो ये हो गया ही राधा माधव रूपकम। और स्वयं कृष्ण है कौन, ये कृष्ण को कहा गया क्या ना, ये स्वयं राधारानी बोलते कि हरे अर्ध तनु राधा, राधा अर्ध तनु हरि, कि जो हरि मतलब कृष्ण का अर्ध तनु है, अर्धांगी अर्धांगी है कौन से राधा ठाकुर है और आधा अंग हो गए कृष्ण। अगर कोई कृष्ण को मानता है भगवान को मानता है तो उनको जरूर मानना पड़ेगा किसको ना, राधा रानी को। और कुछ कुछ तो क्या करते राधा तत्व को ही स्वीकार नहीं करते, बोलते कि क्या ना उनका तो शादी नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो वास्तव में क्या है ना, राधारण को अगर पूछा गया तो कृष्ण कौन है, राधारण स्वयं कहते मम एव पुरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम, कि कृष्ण है कौन, बल्कि मेरा पुरुष रूप है। तो इसलिए ये दोनों क्या कभी अभिन्न वस्तु नहीं, भिन्न वस्तु नहीं, ये क्या है ना अभिन्न है, मतलब जो ही राधा जा भी राधा साफ कृष्ण, कि जो ही राधा वो ही कृष्ण है, वो केवल लीला की विलास के कारण क्या किए ना ये दो ही रूप धारण किए है। इसलिए कृष्णदास कविराज स्वयं बात चैतन्य चैतन्यमृत में बड़ा अच्छे से बोलते हैं कि ये दोनों के बीच संबंध कैसा है, बोले कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद ना शास्त्र प्रमाण, कि ये राधा और कृष्ण कैसा है, एक तो शक्ति और एक है शक्तिमान। जैसे शक्ति को छोड़ के शक्तिमान का कुछ सत्ता नहीं होता है,
ठीक उसी तरह राधा रानी को छोड़ के कृष्ण का कुछ सता कभी हो नहीं सकता है। अगर राधा कृष्ण अगर सूर्य हुए तो सूर्य की जो किरण होता है वो ही श्री राधा रानी। अगर कृष्ण चंद्र हुए चंद्र की जो चंद्रमा था चंद्र की जो शीतल किरण वो ही श्री राधा रानी। इसलिए किरण को छोड़ के जैसे सूर्य की कल्पना ये कभी हो नहीं सकता ठीक उसी तरह राधा रानी को छोड़ के कृष्ण का ये जो वास्तव ये महिमा कभी प्रकाशित हो नहीं सकता है। इसलिए राधा रानी की महिमा सर्वदा सर्वदा ही दिखाया जाता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही ये राधा शब्द इसका जो वास्तव अर्थ को बता रहे हैं कि राधे जया सा राधा राधे आराधिता मया। कि कृष्ण बोलते हैं क्या कि राधा है कौन बल्कि जो स्वयं राधा है कौन ना जो निरंतर और दिव्य उन्माद के साथ अगर प्रति क्षण में प्रति कण में और प्रति मुहूर्त में अगर मेरा कोई भजन करने वाला है वो कौन है श्री राधा। इसलिए बोले राधे जया सा राधा। फिर दूसरा अर्थ बता है क्या ना राधे आराधित है माया कि राधा तो मेरा आराधना करते अगर मैं जगत की गुरु होकर भी मैं किसको अगर आराधना करता वो ही कौन है ना वो ही श्री राधा ठाकुरानी है। तो ऐसे ऐसे सारी सारी शास्त्र क्या करते हैं ना राधा नाम की विशेष रूप में महिमा को बतला है। तो सारी सारी वेद उपनिषद भी इस प्रकार की राधा रानी की महिमा को प्रकाशित किए। मतलब फिर भी आस्था है ये प्रश्न आता है यद्यपि सारी सारी शास्त्र राधा रानी की महिमा को वर्णन किए हमारा संप्रदाय के नाम ब्रह्म गौड़ी और गौड़ी की एक शब्द राधा रानी गौड़ी तो उनके अनुगत है। और सारी सारी वैष्णव की जो श्रेष्ठ ग्रंथ है न पुराणानम इदम तथा और अमर जद वैष्णव आनंद प्रिय श्रीमद भागवतम के बारे में बताया गया कि सारी सारी वैष्णव की प्रिय ग्रंथ है और सारी सारी ग्रंथ में ये श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद भागवतम। और इतना होने के बाद भी क्या हुआ ना उसी जो भागवतम में स्वयं श्री राधा ठाकुरानी के नाम नहीं है। इसलिए कुछ कुछ लोग प्रश्न करते हैं क्या वैष्णव लोग हर समय राधा राधा ही कहते हो मगर जो आपके जो मेन मुख्य ग्रंथ है उसमें तो कोई राधा रानी के नाम ही नहीं है तो इसलिए क्या राधा महिमा ये कपोल कल्पित नहीं ये कल्पित कल्पना मूलक नहीं है। तो मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि अगर श्रीमद भागवतम इसका नाम से ऐसा ही पता चलता है कि श्रीमद श्रीमतलब श्री का मतलब होता है राधा रानी। राधा रानी क्या जिसमें विशेष रूप में महिमा को गान किया गया है वो ही श्रीमद भागवतम में और उसमें राधा रानी का महिमा वर्णन नहीं हो सकता है तो और किसी ग्रंथ में भी क्या ना कदापि राधा रानी का महिमा वर्णन नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले ही क्या बताए कि श्रीमद भागवतम में ये राधा रानी का नाम किस प्रकार ये उसमें लिखा है ये तो बाहर के लोग विशेष रूप में जान नहीं सकते मगर वैष्णव के नाते हम इसे जानना चाहिए वास्तव में। तो जैसे कोई अगर कुछ वैष्णव कुछ हरिकथा या और कुछ ग्रंथ लिखते हैं पहला कार्य क्या होता है बल्कि गुरु वंदना। तो श्रीमद भागवत में प्रारंभ करने से ही ये इसलिए लिखते हैं कि क्या ना जो पहला जो जन्मादर्श जो तो अनुयादव तो इसे बोले सत्यं परं धीमहि मैं वही सत्य पुरुष जो को क्या कर रहा हूँ ना प्रणाम कर रहा हूँ। तो पहले क्या ना किसी का नाम ही नहीं लिया बोले वो परम सत्य जो है उनको ही मैं क्या कर रहा हूँ वंदना कर रहा हूँ या प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी हम श्रवण कर रहे थे कि राधिया कौन है ना पर देवता तो यद्यपि सत्यं परम धीमहि क्या बहुत सारे अर्थ बताए तो इसमें एक अर्थ ये होता है कि ये क्या है ना पर देवता मतलब इसी राधा ठाकुरानी। तो पहले ही इसी राधा ठाकुरानी की वंदना से शुरू की ऐसा जहां से राधा रानी से शुरू की ऐसे श्रीमद भागवत में राधा रानी के नाम नहीं है ऐसा बोलना ये क्या होगा ना अज्ञानता होगा मूर्खा में होगा ये पांडित्यता की कभी परिचय नहीं होगा। तो ये पहला कि पर देवता कि राधा रानी से ही प्रारंभ किए और दूसरा प्रमाण राधा रानी का बोले कि सब जानते हैं कि जैसे अभी आप इसमें सुन रहे थे कि दसम स्कंद विशेष रूप में राधा रानी का नाम ले ली सुखदेव गोस्वामी पर बोले केवल इतना ही नहीं है और उससे पहले ही सेकेंड चैप्टर में सेकेंड स्कंद द्वितीय स्कंद में ही ये इसलिए राधा रानी का नाम और भी एक बार आता है कि जो दूसरा स्कंद चौथा अध्याय 14 नंबर श्लोक में उसमें पूरा स्पष्ट रूप में राधा सा ये शब्द को लिखे हुए यद्यपि इसका अर्थ अलग प्रकार से ही वर्णन हो रहा है पर विशेष रूप में क्या किए ना राधा सा ये शब्द को पूरा पूर्ण पूर्ण रूप में क्या किए ना पूरा लिखे हुए राधा सा। तो जो अधिकारी व्यक्ति बोलता जान लेगा कि किया है ये राधा रानी का नाम ही लिया जा रहा है जैसे हमने राधे तो नो नाम इसमें बोला रहे आराध्य थे जो आराधना कर रहे
तो अगर कोई व्यक्ति उसकी आराधना की और दूसरा अर्थ बताएगा तो वो भी क्या ना अपने अधिकार के हिसाब से उसको वर्णन करेंगे। मगर गौड़ीय वैष्णव क्या उनका एक विशेषता है, वो झुकाव होता है राधारानी के अंदर। तो इसलिए जहां जहां भी इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात क्या किए है ना, राधारानी के नाम को इंडिकेट किए है, इनको तो ये जान लेते, मगर जो अनाधिकारी व्यक्ति क्या है ना इसको कभी जान नहीं सकते। तो इसलिए कहा गया जो कृष्ण भक्त है क्या वो बड़ा चतुर है, इसलिए जय जन कृष्ण बड़े सजवाड़े चतुर। और कृष्ण भक्त शिरोमणि इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात वो फिर राधा रानी के नाम को छोड़ के कैसे श्रीमद भागवत कल्पना कर सकते। तो इसलिए सारी की सारी भागवत में केवल ही केवल क्या है ना राधा रानी के नाम ही है। तो फिर ये राधा नाम विशेष रूप में लिखे क्यों नहीं प्रश्न आता है, किस कारण के लिए लिखे नहीं श्रीमद भागवत में। तो उसका एक कारण बताते है कि ये जो चलो सुखदेव गोस्वामी है को बल्कि ये क्रीड़ा सुखो श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबन एकांत अनन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। तो ये राधा रानी कौन ना हर समय जो कृष्ण राधा रानी की दिव्य उन्माद में अष्ट सात्विक विकार को प्राप्त करते हैं राधा रानी नाम ग्रहण करने से। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं ना उनको अनारगी दान दिखा, अनारगी जो दाने होते हैं उनका लोभ दिखा के उनसे ये राधा रानी का नाम सुनते हैं। और राधा रानी भी क्या करते हैं ना कृष्ण के नाम उनसे श्रवण करते हैं। इसलिए राधा नाम जबते जबते उनके ये हो गया और ऐसे भी उनके गुरु है स्वयं श्री राधा ठाकुर ने। तो इस रूप में वो क्या करते हैं ना राधा रानी के वास्तव नाम लेते लेते क्या ना उनका अंदर वस्तु शक्ति विकार दिव्य उन्माद उत्पन्न होता है जिसे क्या ना मूर्छित हो जाता है। और इधर सुखदेव गोस्वामी संकल्प लिए क्या ना सात दिन में भागवत का श्रवण करा के ये परीक्षित महाराज को उद्धार करेंगे। और अगर अभी भागवत बोलते बोलते राधा नाम आ गया और वो मूर्छित हो गए तो परीक्षित महाराज को उद्धार होने से तय। तो इसलिए बड़ा तपस्या करके वो क्या केवल राधा शब्द ये नाम बोले नहीं मगर सारी की सारी जो भागवत में क्या किए है ना केवल ही केवल क्या ना ये राधा रानी के प्रजावाची या समान अर्थ बोधक शब्द में क्या किए राधा रानी के महिमा को गान किए। तो ये तो एक कारण है श्रीमद भागवत में केवल राधा नाम नहीं आया। और दूसरा कारण क्या बताते है बल्कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति है अगर वो क्या करता है बंदर को देखता है वो क्या करेगा ना अपनी जो मूल्यवान चीज है उसको छुपा लेगा क्योंकि वृंदावन जैसे बंदर होते हैं क्या करते हैं हरी सारी सारी चीज क्या लूट लेते हैं फॉल्स इत्यादि। तो इसलिए बंदर को देखते आदमी क्या करता है ना मूल्यवान वस्तु को ही छुपा लेता है। इसमें ही बुद्धिमत्ता की परिचय है। और कलियुग के जो लोग है उनके लिए भागवत में क्या बताया गया बल्कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावश जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्य उपद्रता। और ये लोग कैसे है ना अल्पायुष है और परमार्थ साधन के लिए चेष्टा रहे थे। तो ऐसे जो व्यक्ति बंदर की स्वभाव विशिष्ट है बंदर स्वभाव विशिष्ट मतलब बंदर ही जैसा करता है वैसा ही करते है मकड़ बजाय दिखाते है और हर समय क्या करते है ना विषय वासना में डूबे रहते है। तो ये सारी सारी कलियुग की जो इसे सुखदेव गोस्वामी अच्छे से पता है भाई जीव कैसा है और किसको ये चीज देना है किसको नहीं देना है। तो देखिए ये सा स्वभाव जब तो ये जीव को अगर ये राधा रानी का महिमा में बोलूंगी तो कभी श्रवण नहीं करेंगे उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसे अच्छा ही क्या है ना अपने जो परम धन उसको क्या करो ना छुपा लो जिसके द्वारा ये अनधिकारी व्यक्ति के हाथ में ये जो श्रेष्ठ वस्तु कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे बोलते कि बंदर के हाथ में अगर कोई सालग्राम दे दिया जाएगा उसका क्या ज्ञान होगा बल्कि साधारण पत्थर है उसके साथ वो खेलेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई ऐसे राधा रानी नाम को विशेष रूप में वो वर्णन करते तो उन्हें पता नहीं चलता इस कारण के लिए भी दिए नहीं। तो ऐसे ये तो ये दो कारण बताए क्या क्या ना राधा नाम की विशेष रूप में क्यों दिए नहीं। मगर राधा नाम की जो राधा उपनिषद में ये जो राधा शब्द की बहुत सारी पर्यायवाची समान अर्थबोध शब्द बताए जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी राधा नाम ना बोल के रह नहीं सकते अगर एक बार बोले मूर्छित हो जाते। तो इसलिए वो क्या किए ना कि विशेष रूप में वो महिमा को वर्णन करने के लिए राधा रानी के तो क्या किए ना पर्यायवाची शब्द में राधा रानी के नाम वर्णन किए। तो इसलिए विशेष रूप में रमा बोले वो भी श्री राधा रानी का नाम बोल रहे अगर श्री बोले वो भी श्री राधा रानी के नाम और गोपी बोले ये भी श्री राधा रानी के नाम। तो इसे समझना पड़ेगा ये समान अर्थ बोध शब्द है। और अगर राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र को देखा गया तो उसमें कितने सारे राधा रानी के नाम बताया गया है। तो केवल केवल क्या वो यद्यपि राधा रानी के ही बोल रहे और दूसरे दूसरे नाम लेके वो प्रकाशित कर रहे। और भक्ति विनोद ठाकुर तो इसको बड़ा अच्छे से क्लैरिफिकेशन देते है कि क्या उमा रमा सत्य सचे चंद्र रूपिणी राधे के अवतार सो आमनाय वाणी।
ये तो सारी सारी राधा रानी की ही अवतार है, तो इसीलिए अगर उमा वाला जाए वो भी श्री राधा रानी के नाम होगा, रमा और श्री सत्य चंद्र रुक्मिणी सारी सारी केवल केवल तो राधा रानी के ही नाम। तो जहां जहां भी भागवत में ये रमा गोपी श्री इत्यादि सारी सारी शब्द आया हुआ है ये किसका नाम है, तो केवल केवल राधा रानी का नाम है। तो इसे जाना पड़ेगा भागवतम केवल राधामय है, राधा रानी को छोड़ के भागवत में कल्पना कभी किया नहीं जा सकता। तो ऐसे पहला प्रमाण श्री ये शब्द कैसे राधा रानी के नाम है, और इसमें तो भागवतम का पहला ही नाम दे श्री श्री मतलब अभी हम श्रवण कर रहे थे कि हर समय जो ये आता है बोले कि श्री सुखो हुआ सब श्री मतलब अभी हम श्रवण किए कि क्या नहीं क्रीड़ा सुख श्री वान जाया, ये सुख किसका है ना श्री क्रीड़ा सुख राधा रानी के ही है, तो इसलिए श्री मतलब श्री सुख मतलब राधा रानी के ही सुख। तो पहले यहाँ से जानना पड़ेगा कि सुख मतलब जो राधा रानी के सुख मतलब इधर राधा रानी का नाम श्री नाम में ही आता है। फिर दूसरा बोले श्रीमद भागवत प्रमाण देखे कि दशम स्कंद में ये जो रुक्मिणी और एक भी आता है अच्छा अच्छा श्री मतलब लक्ष्मी को माना कहा गया श्री मतलब लक्ष्मी कुछ कुछ हम मानते हैं और श्री मतलब रुक्मिणी की कभी कभी संबोधन किया गया, तो इधर लक्ष्मी और रुक्मिणी क्यों नहीं हो गए, क्यों इस कारण के लिए बोली दशम स्कंद में वही रुक्मिणी क्या कर रहे है ना ब्रज गोपियों का बड़ा वंदना कर रहे हैं, बोली कि वो ब्रज गोपी की क्या महिमा है, विशेष रूप में वो श्री शब्द लिए, वो श्री शब्द लेके बोले वो गोपियों की क्या महिमा है जो अनंत अखिल ब्रह्मांड के जो नायक है जो जगत की जो विशेष रूप में जो ब्रह्मांड की नायक है और जो भगवान है उनको जो श्री चरण कमल को जो अपने हृदय में धारण करते ऐसे ऐसी श्री का श्री दासत्व को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। तो यहाँ में प्रश्न आते अगर श्री की मतलब अगर रुक्मिणी होता या लक्ष्मी होता तो ऐसा तो कभी संभव नहीं कि रुक्मिणी अपने प्रशंसा अपने मुख में करेंगे कि हाँ मैं अपने की चरण कमल का रेणु को चाहता हूँ, ये तो श्री मतलब कभी रुक्मिणी नहीं हो सकता। और दूसरा बात है लक्ष्मी और लक्ष्मी और इधर विशेष रूप में ब्रज की महिमा वर्णन कर रहे और ब्रज में भी तो लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, इसलिए बेल बेल में जाके क्या करे हाथ जोड़ के क्या कहिए ना प्रार्थना करे कि भगवान मुझे क्या करो नहीं ब्रज में तथा रास में प्रवेश कराने के लिए अधिकार प्रदान करो। तो इधर श्री मतलब केवल केवल क्या यह समझना पड़ेगा कि श्री राधा ठाकुरानी। और दूसरा अर्थ जब कोई वृंदावन में जाते हैं जो राधा रानी के जो मंदिर उसको कहा जाता है श्रीजी मंदिर, श्रीजी लाडली की मंदिर, श्री मतलब इधर श्री मतलब राधा रानी को भी लक्ष्मी इधर कहा नहीं जाता है। और दूसरा बोले कि रमा, रमा मतलब भी लक्ष्मी को समझता समझते है, मगर ये जो रमा शब्द है ये क्या ये भी क्या ना राधा रानी के लिए ही प्रयोग किया गया है भागवत में। उदाहरण देते हैं कि जब श्री रास मंडल में कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो कृष्ण के जो लीला को स्मरण करते सारी सारी गोपी उसी लीला में तद्गत होके क्या कर रहे ना कृष्ण की लीला भी नहीं करने लगे, कृष्ण की विरह में इतना अनुवाद उनका उत्पन्न हुआ इसी कारण कोई गोपी तो क्या गया ना कोई काल्य बन गया और दूसरा गोपी उसका सर में चढ़ के नृत्य करने लग रहा है, कोई गोपी गिरिराज के रूप धारण किया दूसरा गोपी उसको उठाने के लिए क्या कर रहे हैं प्रचेष्टा कर रही है, तीसरा गोपी क्या कर रहा है बोले कि मैं अघासुर हूं और चौथा गोपी क्या कर रहा है उनका मुख में प्रवेश करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जितने सारी की लीला ये क्या हुआ ना सबकी गोपियों की प्रकाश ही तो मन में प्रकाशित होने के कारण वो क्या उसकी लीला को अभिनय करने लगे। तो उसमें ये क्या आया ना ये जो रमा शब्द आया कि रमापति उनको ही क्या कर रहे ये संबोधन करके बोल रहे भगवान कृष्ण को रमापति की लीला में ये सारी सारी विभावित हुए। तो इधर रमापति अगर लक्ष्मीपति हो तो ये जितने सारी सारी अघासुर बकासुर और गिरिराज धारण लीला ये रमापति विष्णु का नहीं है ये केवल केवल कृष्ण का है, इसमें रमा मतलब विशेष रूप में राधा रानी के महिमा को वर्णन किए। तो ये भी जानना पड़ेगा रमा मतलब राधा रानी। और दूसरा उद्धव जब शिला भगवान के संदेश ला के गोपी उनके पास में आए उधर विशेष रूप में बोले कि मैं जो संदेश लाया हूँ किसका हूँ किसका लाया हूँ ना केवल केवल वो श्री राधा रानी की संदेश लेके आया रमापति के संदेश लेके आया हूँ। अगर यहाँ भी रमापति मतलब लक्ष्मीपति मतलब नारायण को समझा जाए तो फिर भी ये क्या होगा ये कदापि सही नहीं होगा क्योंकि कृष्ण तो केवल कृष्ण ही उनको उद्धव को भेजे कि क्या करो जाके ना गच्छो उद्धव व्रजो सम्य पितृणां पितृमावः गोपीनां मत वियोगेन मत संदेश विमोचय के उद्धव
आप क्या करो मेरा संदेश लाके जाओ, ये जो गोपी अत्यंत विरह कातर हुए उनको क्या करो मेरा संदेश प्रदान करो जिसके द्वारा उनका विरह थोड़ा कम हो सके। तो इसलिए रमापति मतलब इधर भी क्या है ना, ये राधा रानी है। और तीसरा बोले गोपी शब्द ये भी क्या है ना, ये राधा रानी के लिए ही प्रयोग है। जैसे जैसे हमें पहली श्रवण की कि गो मतलब क्या है ना इंद्रिय, पी मतलब जो निरंतर क्या करते है, गोपी मतलब है क्या ना कृष्ण रस को जो निरंतर पान करते उसका मतलब उसके शब्द के अर्थ हो गया गोपी। तो कृष्ण ये जो रस है, कृष्ण जो आनंद की स्वरूप है उसको अगर कोई निरंतर पान करता तो वो राधा रानी के भीतर कोई किसी संभव नहीं। यद्यपि व्रज गोपियां ये कृष्ण का नाम रूप लीला गुण इत्यादि को आस्वादन करते मगर राधा रानी के जैसे ही कभी ये आस्वादन किए नहीं। इसलिए राधा रानी किसको प्रश्न किए, ये गोपी बड़ा प्रसन्न हो गया रहता है भाई तुम प्रसन्न क्यों हो ना, ये बोले कि आज मैं क्या किया ना कृष्ण के पूरा रूप को पूरा मन भर के आज दर्शन कर लिया, पूरा चरण कमल से शिर प्रदेश तक पूरा भगवान कृष्ण को दर्शन किया। राधा रानी बोलते हैं मेरा सौभाग्य कब ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि मैं जब एक बार से राधा रानी के चरण कमल को दर्शन कृष्ण के चरण कमल को दर्शन करता हूँ उसी चरण कमल ही मेरा मन लग जाता है तो और दूसरे कोई वस्तु को देखने के लिए इच्छा ही नहीं होता है। तो इसलिए जब मैं दर्शन करता हूँ एक ही अंग को दर्शन करके और दूसरे अंग को दर्शन नहीं कर सकता हूँ, तुम तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यवान हो गए, क्यों, क्योंकि तुम पूरा कृष्ण का दर्शन किए हो। तो ऐसे ऐसे ये ऐसे भागवत में ये राधा रानी के महिमा को वर्णन किए गए। तो ये श्री राधा रानी की महिमा है, फिर अन्य अन्य भक्त लोगों से श्रवण करेंगे। पांचा कल्प तरुवश कृपा ऐसे पारे पुजारी कोड़ी आसना तिलास पाई दो काली कोड़ी आज अधा कोड़ी हां अधा अधा ही दो ना ठीक है काली पुरा के श्री काम करो भी पहले और प्रणाम कर गए काली कोड़ी काली हां रीडिंग जस्ट राधा रानी उसे प्रयोग चिंता कर लेना कल राधा रानी को कल मुंडरे तांकर साइड चिंता आसे तांकर कल चिंता आसे और या जरा मन आदेश रहे चेष्टा करो राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दै मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहि जय राधे माधवते जय राधे Thank you.